खबर सितारगंज से, मुख्यमंत्री उदीयमान प्रोत्साहन खिलाड़ी चयन ट्रायल में 40 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के नगर पालिका स्तरीय ट्रायल शुक्रवार को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सितारगंज में संपन्न हुए। विद्यालय में आयोजित चयन ट्रायल में करीब 40 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, 6x10 मीटर शटल रन, 600 मीटर रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रू, फॉरवर्ड बैंड रीच खेल शामिल रहे। वहीं न्याय पंचायत स्तरीय चयन ट्रायल में संबंधित न्याय पंचायतों के समस्त विद्यालयों से प्रत्येक आयु वर्ग में 2 बालक एवं 2 बालिका प्रतिभाग करेंगे। आचार्य निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि खेल हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति इन दोनों के लिए लाभदायक है। सरकार की इस योजना से खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से प्रोत्साहन एवं संबल मिलता है। उत्तराखंड राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनकी खेल उपलब्धियों को बढ़ावा दिए जाने के लिए इस प्रकार की योजना से प्रदेश भर के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर सुनील पाठक, अमित खरे, डॉक्टर लोकेश गंगवार, रमेश जोशी, कुलदीप, दिनेश गंगवार, वेद प्रकाश सहित समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। ये जो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है, उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत कल्याण नगर और नगर पालिका सितारगंज के जितने भी विद्यालय हैं उनकी प्रतियोगिता है। इसके बाद ये प्रतियोगिता आगे जाएगी। आज बालक वर्ग की है और कल जो है बालिकाओं वर्ग की होगी। और आज लगभग जो है 35-36 भैया प्रतिभाग इसमें कर रहे हैं। लगभग 40 के आसपास यहाँ पर प्रतिभागी आए थे और उनकी बारीकी से जो उनके प्रमाण पत्र है उनका निरीक्षण इत्यादि करके उनको यहाँ प्रतिभाग कराया जाएगा। जैसे वो आगे अगले पद पर जाएंगे उनका सिलेक्शन होगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उससे उनको 1,500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे उनका खेल के क्षेत्र में उनका कौशलात्मक विकास हो। खबर भारतवर्ष के लिए सितारगंज, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।